गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप ये देख पा रहे हैं, हमने अभी एलपी गेन का स्टार्ट ओपन कर रखा है, जहां पर हम लोग एएलपी और ओएलपी को डिपॉजिट कर रहे हैं और उसका रिटर्न मंथली वाइज पे तीन पुल में अलग अलग परसेंटेज दिया हो। जो कि पहला पुल में 5% मंथली था, दूसरा जो कि फुल हो चुके हैं और दूसरा अभी रनिंग है जिसमें 4% और इसके बाद आपको 3% मिलने वाला। तो जो भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसके ऊपर जो रिटर्न बन रहा है उससे आप कैसे विड्रॉ कर पाएंगे। एक्चुअली मेरे पास कॉल और मैसेज आ रहा था कि सर एक वीडियो हमें दीजिए कि किस तरीके से हम विड्रॉ करेंगे, इसमें हमें सर बेनिफिशियरी वगैरह ऐड करने को बोलता है, जो समझ में नहीं आ रहा है। तो बट डोंट वरी दोस्तों, आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगा जिससे आप आसानी से बेनिफिशियरी को भी ऐड कर पाएंगे और साथ में विड्रॉ भी कर पाएंगे। तो सिंपल आपको क्या करना है, मेनू के ऊपर आपको टच करना है, उसके बाद विड्रॉल के ऊपर आपको टच करना है। टच करेंगे तो इस तरीके से आपको खुल करके आएगा ऑप्शन जिसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा बेनिफिशियरी पैनल, इसके ऊपर आपको सिंपल टच करना है। टच करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि आपका एड बेनिफिशियरी पैनल जिसमें इंटर डिटेल्स केयरफुली एड न्यू क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस सिलेक्ट क्वाइन, सिलेक्ट क्वाइन पर आपको टच करना है। और यहाँ पर आपको पूछता है कि आप विड्रॉ जो लेने वाले हैं यूएसडीटी बीपी 20 में लेने वाले या तो टीआरसी 20 में। तो अक्सर लोग ट्रस्ट वॉलेट में विड्रॉ लिया करते हैं, तो ट्रस्ट वॉलेट में ज़्यादातर लोग जो है यूज करते हैं बीएससी चैन को, यानी कि बीएनबी स्मार्ट चैन जिसमें बीपी 20 नेटवर्क आता है। तो मैं भी सर यहाँ पर सिलेक्ट करने वाला हूँ बीपी 20 नेटवर्क। हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया यूएसडीटी बीपी 20। उसके बाद अब अपने को चलना है ट्रस्ट वॉलेट में, और ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद जो है आपको इस तरीके से यूएसडीटी बीपी 20 का एड्रेस जो है आपको केयरफुली आपको यहाँ पर देख लेना है और उसके बाद कॉपी करना। कॉपी करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर एड्रेस पर आपको टच करना है, ठीक है, मतलब पेस्ट कर देना है रिसीवर वॉलेट एड्रेस में। उसके बाद नीचे सिलेक्ट ओटीपी मोड है दोस्तों, यहाँ पर ईमेल है आपका, ईमेल पर आपको सेलेक्ट करके उसके बाद प्रोसीड करना है। जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो जो आपका ईमेल इस आईडी में लगा हो उस ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा 6 डिजिट का, उस ओटीपी को लाकर यहाँ पर पेस्ट करना है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं ओटीपी अभी डाल लेता हूँ प्रोसेस करके। जी दोस्तों, जब प्रोसेस करेंगे तो आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको जो है सिंपल आपको यहाँ डाल लेना है। तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ 82401, सिंपल ऐसा डाल देना है। डालने के बाद आपको सिंपल यहाँ क्या करना है, सबमिट पर आपको टच कर देना है। ओके, अच्छा हाँ, या देख लेना है शायद हो सकता है आपका, यस 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 थोड़ी सी रॉन्ग हो गई, वो पहली को ओटीपी हमने डाल दिया। तो हमें डालना है न्यू ओटीपी, जो आपका प्रोसेस करने के बाद जो ओटीपी आता है उस ओटीपी को आपको डालना है 2654 राइट। उसके बाद सबमिट पर टच कर देना अपने को और आपका ओटीपी सही होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अकाउंट सक्सेसफुली एडेड लिखा हुआ आएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हमारा बेनिफिशियरी ऐड हो गया, तो हमें सर बार बार बेनिफिशियरी ऐड करने की जरूरत नहीं है विड्रॉल करने के लिए। एक बार आपने ऐड कर दिया तो आपका जब तक सर उसी एड्रेस पर आपको विड्रॉल लेना है, आप कंटिन्यूस जो है विदाउट बेनिफिशियरी नेक्स्ट टाइम ऐड किए हुए आप विड्रॉल ले सकते हैं। अब अपने को क्या करना है, सिंपल आपको मेनू पर सर्च करना है दोबारा से, फिर विड्रॉल पर आप टच कर दीजिए और नीचे आइएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिवार्ड, जो कि रिवार्ड वॉलेट दिखेगा आपको इनकम वॉलेट। तो रिवार्ड वॉलेट में मेरा पास अभी इनकम 0 है और इनकम वॉलेट में मेरे पास जो है वो 300 है दोस्तों। तो अपने अपने को विड्रॉल करने के लिए क्या करना है, सेलेक्ट रिसीवर वॉलेट एड्रेस पर टच करेंगे, जो कि अभी हमने ऐड किया था वो एड्रेस यहाँ पर आ चुका है ऑलरेडी, और इसके यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद चूज वॉलेट, आपको विड्रॉ जो करना है और रिवार्ड से करना है या इनकम वॉलेट से करना है। तो अभी हमारे पास अवेलेबल जो है वो इनकम वॉलेट में है, तो हम इनकम वॉलेट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है 300 मिनिमम $10 से विड्रॉ आप कर सकते हैं यहाँ पर, तो $10 के ऊपर जितना भी है आप विड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास 300 है दोस्तों, तो 300 अभी हम विड्रॉ करेंगे और फिर से यहाँ पर आपको सेलेक्ट ओटीपी मोड में ईमेल कर लेना है और प्रोसीड करने पर आपको ईमेल पर ओटीपी आएगा, तो हम ओटीपी डाल लेते हैं। जी दोस्तों, तो मेरे पास ओटीपी ऑलरेडी आ चुका है 59562 0, इस तरीके से आपको ओटीपी डाल लेना है। उसके बाद सिंपल आपको सबमिट पर टच करना है, फिर यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ आएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्रिप्टो विड्रॉल रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू वॉलेट विद इन 24 आवर्स, अमाउंट 300 जो आपने विड्रॉ किया। इसको आप स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं, और हालांकि यह 24 आवर्स लिखता है दोस्तों, लेकिन 2-4 घंटे में विड्रॉल आपका आ जाता है, तो आप अपने वॉलेट को 2-4 घंटे बाद रिफ्रेश कर सकते हैं। और अगर बाय डिफॉल्ट ना आता है तो 24 आवर्स तक आप वेट करें, उसके बाद फिर भी नहीं आता है तब जाकर के आगे इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ आया होगा। तो आप सभी लोग विड्रॉल फटाफट कर लीजिए और साथ में अपने टीम को शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल सके जिससे बेनिफिशियरी ऐड करके सभी लोग विड्रॉ कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि सबमिट से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है और आपका एलपी गेन से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन इस चैनल में आप लोगों को मिलने वाला है। तो धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।